भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर बगीचा के समीप पिछले वर्ष 5 नवंबर को खेरैया निवासी खाद व्यवसायी अनुजदेव सिंह के पुत्र सुशांत कुमार शिवम की गोली मारकर हत्या कर अपराधियों द्वारा 25 लाख रुपए लूट मामले के मास्टरमाइंड नाणा मियां को भागलपुर पुलिस ने लखीसराय के नया बाजार धर्मशाला से धर दबोचा है। सीनियर एसपी नितासा गुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में शामिल दो अपराधियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके द्वारा इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड नाणा मियां को बताया गया था, जिसके बाद वो लगातार फरार चल रहा था। सीनियर एसपी ने मामले के उद्भेदन को लेकर भागलपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर एवं लॉ एंड ऑर्डर उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसमें बबरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह, अकबरनगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, DIU प्रभारी कौशल कुमार और कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। विशेष टीम ने तकनीकी और अनुसंधान के आधार पर कुख्यात अपराधी को लखीसराय से धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है और जिले के कई थानों में उसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। तो है आसूचना संकलन की जा रही है और समय समय पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हमें पूरा प्रयास है कि पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में हम और भी इसमें अधिक रिकवरी करेंगे और जो इसमें बड़े बड़े अपराधकर्मी जो शामिल हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, उन लोग को भी हम लोग जो है जल्दी गिरफ्तार कर पाएंगे। स्टेशन चौक पर ठगी का जो मामला हुआ मैम 6 लाख की, उसमें क्या कोई सफलता मिली पुलिस को? अभी वो अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत है और हमें जल्द पूरी उम्मीद है कि उसमें भी हम लोग जो हैं जिन दो व्यक्तियों के द्वारा सादे लिबास में ठगी की गई उसमें भी हम लोग जल्द सफलता पाएंगे। इस तरह का पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की वारदात वहाँ पर मतलब शहर में हो चुकी है और पुलिस के ही ऊपर आरोप लग रहा है, पुलिस के ही भेस में जो है? नहीं, वो पुलिस के भेस में नहीं थे, वो सादे लिबास में थे तो वो कहीं से भी उनके द्वारा पुलिस का जो है उपयोग नहीं किया गया है, वो प्योरली सादे लिबास में थे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्द हम उनकी भी जो है शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी करें। CCTV जो लगे हुए हैं पुलिस के जो है शहर में, वो कहाँ तक कारगर है? वो नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं, जो जिला भर में जो है CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पे जो जो CCTV कैमरा खराब है उसकी भी मरम्मती समय समय पे कराई जाती है और साथ ही साथ हम लोगों ने और भी पॉइंट्स चिन्हित किए हैं और उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोग उसको ला रहे हैं ताकि जो है हमारा पूरा शहर और जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वो सबको हम लोग कवर कर सकें। भागलपुर की 0 माइल बाईपास टोल प्लाजा के समीप ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रैक्टर का डाला टूट गया और बगल से जा रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। दुर्घटना में घायल शैलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मैं अपने दोस्त आदमपुर निवासी अरविंद कुमार शाह के साथ 0 माइल से खिर्री बांध की तरफ जा रहे थे। इस बीच टोल प्लाजा के पास टॉयलेट लगने के कारण अरविंद अपनी बाइक रोक कर टॉयलेट करने लगा। उसी समय बाईपास की ओर से नवगछिया 0 माइल की ओर जा रहा ट्रक और 0 माइल की तरफ से जगदीशपुर जा रहा ट्रैक्टर में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर का डाला टूटकर बाइक सहित आम लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनके मित्र अरविंद कुमार शाह की मौत हो गई और वे घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची लोदीपुर थाना पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश सहित भागलपुर जिले में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। जिले में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में काफी तेजी आ गई है। जिले के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के आधार पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे मुखिया प्रत्याशी विश्वजीत कुमार पांडे और पुतुल पांडे लगातार समर्थकों के साथ पंचायत में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और समाज के लिए अब तक किए गए अपने कार्यों का मेहनताना मांग रहे हैं। ललमटिया ओपी क्षेत्र के कबीरपुर पुल के पास बीते रविवार को ओपी पुलिस पर हुए पथराव मामले में एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, बीते रविवार को संध्या में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 3 युवक चेकिंग स्थल के पास हंगामा कर रहे थे।
पुलिस द्वारा समझाने पर तीनों युवक पुलिस से उलझ गए। वहीं दर्जनों की संख्या में स्थानीय युवकों द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रहमत बाग निवासी मोहम्मद अताबुल के पुत्र मोहम्मद मिंटू उर्फ रियाज के रूप में हुई है। मामले पर ललमटिया ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था, जिसमें कुल 12 नामजद व 40 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। जगदीशपुर प्रखंड में दूसरे चरण में संपन्न होने वाले आम पंचायत चुनाव की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए रात दिन एक कर दिया है। मतदाताओं को रिझाने के लिए समर्थकों की रैली लेकर डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में सैनो पंचायत के मुखिया प्रत्याशी भैरव यादव ने सैनो बदलूचक कोला पंचायत के कई गाँव में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके समर्थकों में महिलाओं का जत्था भी उनके पक्ष में नारे लगाते दिखे। भैरव यादव अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को लोगों को याद दिला रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहित भैरव यादव ने बताया कि जनता जनार्दन मुझे जिताने का विश्वास दिलाई है। उन्होंने कहा है कि जनता ने मेरे कार्यकाल में विकास को देखा है और पंचायत का ताज एक बार फिर मेरे ही ऊपर होगा। किसको मुखिया किसको चुन रहे हैं? भैरव प्रसाद यादव को। किस छाप में? टेम्पू छाप में। क्यों चुन रहे हैं? विकास बढ़िया किया है, काम बढ़िया किया है, रोड नली बनाया बढ़िया। गरीबों का ये मसीहा है, दुख सुख में हम लोग के साथ है, हर वक्त रहता है। जिस समय हम लोग खोजते हैं उस समय हमारा ये मुखिया जी हर वक्त तैयार रहता है। काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं, हर विकास हो रहा है गाँव गाँव के घर में, नल रोड वगैरह वगैरह सब। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव की शुरुआत जगदीशपुर प्रखंड से आरंभ हो रही है, जहां दूसरे चरण में 29 सितंबर को मतदान कार्य संपन्न किया जाना है। पंचायत चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए देर शाम जिले के आलाधिकारी लोकनाथ उच्च विद्यालय जगदीशपुर में बनाए गए वज्रगृह का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बताते चले कि इस बार पंचायत चुनाव में मतदान दल पदाधिकारी को प्रखंड में चुनाव सामग्री एवं ईवीएम मुहैया कराई जाएगी, जिसे चुनाव पश्चात सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में जमा कराया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार ने बताया कि हम लोग चुनावी तैयारी का जायजा ले रहे हैं, मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष होगा, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिले से पहुंचे टीम में डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी नीतासा गुड़िया, एसडीएम राजेश राजा, एसडीएम संजय कुमार, सीटीएसपी स्वर्ण प्रभा, डीडीसी प्रतिभा रानी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसी सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव और विकासात्मक कार्यों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ सीओ को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर कई विषयों पर भी बैठक में चर्चा की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग सख्त हैं, जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर हम लोग वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो भी मतदाता वैक्सीन नहीं लिए होंगे, जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया होगा, वो वैक्सीन लगवा सके। साथ ही अन्य विकासात्मक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन हरियाली समेत अन्य योजनाओं पर समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी, एडीएम, एसडीएम समेत सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी मौजूद थे। अगर आप नाथनगर रेलवे स्टेशन, सुखराज राय उच्च विद्यालय या एसएस बालिका उच्च विद्यालय जाते हैं तो नाक पर रुमाल रख कर ही जाएं, क्योंकि रेलवे स्टेशन रोड में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों समेत आवाजाही करने वाले छात्र छात्राओं व राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस सड़क में सुखराज राय उच्च विद्यालय व एसएस बालिका उच्च विद्यालय है। इस सड़क से होकर सैकड़ों छात्र छात्राएँ समेत आम जन आवाजाही करते हैं। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद भी साफ सफाई के प्रति उदासीन हैं। कचरे के ढेर पर बीमारियां पनप रही है, जिसकी चपेट में विद्यालय के बच्चे कभी भी आ सकते हैं। बच्चों को प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, इस कारण बच्चे कचरे से निकलने वाले बदबू से परेशान रहते हैं। कूड़े की गंध से एक बारगी लोगों का दम घुटने लगता है। सुल्तानगंज थाना परिसर में विभिन्न खंडों में बरामद देसी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर चंदन कुमार की देखरेख में सुल्तानगंज शाहकुंड से विभिन्न कांडों में बरामद 150 लीटर विदेशी एवं 160 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष लाल बहादुर, एसआई रामाशंकर यादव, उमाशंकर सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।